चलिए आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, यानी राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बंगाल का अपवाह तंत्र, और आंतरिक अपवाह तंत्र में यानी ऐसी नदियाँ जो दोनों में नहीं गिरती, बीच में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, बिल्कुल ट्रिक से और कहानियों से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो मार्करी गुंचाल है। अब देखो इधर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का, ठीक है, अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसमें सारी नदी आ जाएगी, तो ट्रिक को ध्यान से देखना। सलमा, अरब सागर, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा, कैसे याद करोगे, से साबरमती, ठीक है, सागरमती, साबरमती जो भी, ले से लूनी नदी, मा से माही नदी, अरब सागर से हो जाएगी अरब सागर की नदियाँ। पश्चिम से कर लेना पश्चिम बनास, पश्चिम बनास, सो से करना सोम और जा से करना जाखम। ये कौन सी नदियाँ होगी, ये है वो नदियाँ है जो अरब सागर में गिरती है। अब एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और वैसे ही जैसे कहानियों से याद करते आए हैं वैसे ही कहानियों से याद करेंगे। ठीक है, डस्टर लिया हूँ, जब तक थे इन नोट कर लूँ। चलो मिटा दूँ, ठीक, ऐसी ही है। और लूनी नदी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलो चाला, कोई फालतू बात नहीं, केवल पढ़ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूनी, बोल लियो लूनी, बोल लियो जो भी है, थाने बढ़िया लागे जो नाम बोल लियो, लूनी नदी। अब देखो यहां से एक नदी है, ये एक पहाड़ी है, ऐसे नाग पहाड़ कहाँ है गुरु जी, अजमेर में है, खट्टा है टावरों, अजमेर में, ठीक है। यहां से एक नदी गई पुष्कर, यो कहाँ है, वो खटे है, यो भी खटे है पुष्कर में, ठीक है। इस नदी को नाम है सरस्वती नदी, कौन सी नदी, सरस्वती नदी। इन नदी ने बोल दिए थे सागरमती नदी, कौन सी नदी, सागरमती नदी, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। आज जो जगह है इस जगह को नाम है गोविंदगढ़ पुष्कर। यहां से नदी निकली, उस नदी का नाम है लूणी नदी, कौन सी नदी, टावरो लूणी नदी, कौन सी, लूणी नदी। यानी लूणी नदी का उद्गम दो नदियों से मिलकर होता है, सागरमती और सरस्वती नदी, जो पुष्कर पहाड़ी से सरस्वती नदी, नाग पहाड़ से सागरमती नदी, दोनों का जहां मिलन होता है गोविंदगढ़ पुष्कर, वहां से नदी आती है, कौन सी, लूणी नदी आती है, ठीक है। चालाग अठा तक कोई दिक्कत ना गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो, अब मेन चीज आती है, अच्छा उद्गम यहां से हो गया, संगम कहाँ हो जाएगा, अठा है का, ओके है, वो अरब सागर है, बस अरब सागर में क्यों हो गया, उद्गम हो गया। अब मेन दिक्कत कहाँ आती है, मेन दिक्कत वहां आती है कि गुरुजी इसकी सहायक नदियां कैसे याद करें। थारो भाई बेटे, थारो भाई थान याद करो, ऐसी सहायक नदियां कौन कौन सी होगा, देखो ढंग से देखना। थारो मित्र है एक, एक थारो मित्र है, मित्री नदी, अच्छा मित्र मैत्री होती है, मित्री नदी है ना, मित्री नदी। थारो एक मित्र है और मित्र भी के है, वो सागी मित्र है, एकदम मित्र किसको है, सागी,
सागी जानो ने खास बायलो तो सागी नदी। थारो एक मित्र है और सागी मित्र है, वो एक दिन भाजो बाजो आयो और भाजो बाजो आर थानी है क्यों का थारो जो जवाई है ना जवाई थारो जवाई थारो जवाई सूखना पड़ गयो थारो जवाई क्यों हो सूखना पड़ गयो थारे जवाई का ली लड़िया उगड़ रही है। क्यों उगड़ रही है? ली लड़ी ली लड़िया उगड़ रही है ली लड़ी नदी। थारे जवाई के क्या पड़ गया? बेंड पड़ रहा है थारे जवाई के बेंड पड़ गया बेंड पड़ गया तो बांडी नदी। हलो अब देखो कैसे याद करोगे। आपका मित्र है सागी मित्र है, वो एक दिन आया दौड़ते दौड़ते बोले कि भाई आपका जो जवाई है वो सूख गया यानी सूखना पड़ गया बिका ली लड़िया उगड़ रही है बिका तो शरीर में बेंड पड़ गया। कह रहे कि बात क्यों ये बात तो बता क्या बेंड पड़ो कब बेंड यहाँ पड़ो कब वो नमक को पानी पी गया यानी लूणी नदी को पानी पी गया और थाने बेरो नागौर साइड में जो खारा पानी पीने से शरीर में बेंड पड़ जाता है तो ई वो जवाई क्या करियो खारो पानी पी लियो तो खारो पानी पी लियो जना बिका शरीर में बेंड पड़ गयो सूख गयो वो आदमी यानी जवाई सूख गयो ली लड़िया उगड़ गई। और अब आत कौन क्यों था को मित्र और मित्र कौन हो सागी मित्र हो। ठीक ये क्या होगी इसकी सहायक नदियाँ होगी। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है नागुर जी मानो कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो आगे अब जवाई अब मेन चीज क्या आती है कि भाई हम इनका उद्गम कैसे याद करें। सर उद्गम भी तो जरूरी है बिल्कुल जरूरी है थन उद्गम भी याद करवा छो थन उद्गम भी याद करवा छो। मित्र मित्र सागी जवाई सूकड़ी लीलड़ी बांडी। अब देखो कैसे याद करोगे ये तो छोड़ो बांडी पाली में खटे पाली में लीलड़ी का उद्गम खटे पाली में सूकड़ी का उद्गम खटे पाली में तीन तो कोई दिक्कत ही को नहीं तीन में तो कोई दिक्कत ही को नहीं कोई दिक्कत को नहीं। और पाली में भी कहाँ पर पूछे तो देसुरी में। अब आती है मेन चीज जवाई जवाई किसो को होना चाहिए गोरो होना चाहिए। जवाई सासराम जदि चोको लागोगो जना वो गोरो चित्तो है गोरो जवाई है तो वो चोको लागोगो। ठीक है तो गोरिया पहाड़ी उद्गम कहाँ हो गया यहाँ लिख देता हूँ मैं ये लो गोरिया पहाड़ी। ठीक है अब गोरिया पहाड़ी कहाँ पाली में ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है गुरुजी। अब जवाई गोरो है तो सासराम चोखो लागो को नहीं तो सासरे जाने को कोई मतलब ही हो नहीं तो जवाई नदी का उद्गम गोरिया पहाड़ी पाली में होता है। अब जवाई खारो हो तो भाई जवाई भोलो ढालो हो है सिद्धो साधो हो तो सासरे में भी चोखो लागे जवाई खारो हो तो फिर सन झाला हो यानी जवाई का जो का सासरा आला हो वो यारो जवाई खटो आ जाए बोलो खारो आदमी। तो जवाई में एक नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम है खारी नदी। ठीक है और जवाई खारो है तो वो शेर की जिया लागे के की जिया लागे शेर की जिया लागे तो शेरगढ़ पहाड़ी कौन सी पहाड़ी शेरगढ़ पहाड़ी दिख रही है थान शेरगढ़ पहाड़ी मोबाइल में देख लियो एक बार हाँ गुरु जी दिख रही है। ठीक अब शेरगढ़ पहाड़ी कहाँ है शेरगढ़ पहाड़ी सहसे शेरगढ़ सहसे सिरोही। ठीक है ठीक है गुरुजी ठीक है कि ठीक है। अब आ जाओ सागी नदी सागी मित्र है और यह बात है थाने मित्र जिकी जो बात बतायो बात जस्ट बतायो ने तो जसवंतपुरा पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ पर है जालौर में और मित्र तो थारो जालौर को है जी को है अल बस तो फिर बस ये क्या हो गई आपकी सहायक नदियाँ होगी लूणी नदी की। ठीक है यहाँ से और आपको ध्यान रखना है यहाँ से एक नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी कौन सी नदी जोजड़ी नदी। ठीक है जोजड़ी नदी का उद्गम होता है एक पहाड़ी है पांडुला पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पांडुला पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पांडुला कौन सी पांडुला 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 पहाड़ी से इसका उद्गम होता है।
इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 150 किलोमीटर। और लूनी नदी की एकमात्र नदी है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो सबसे लंबी है, कौन सी, जोजड़ी नदी। कौन सी, जोजड़ी नदी, ठीक है। अब देखो आगे, पाडलू पहाड़ी, कौन सी नदी का उद्गम है, जोजड़ी नदी का उद्गम पाडलू पहाड़ी, ठीक है। लंबाई कितनी, 150 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी है जो लूनी नदी में आकर मिलती है, सबसे लंबी सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी है जो दाई ओर से मिलती है, किसके, लूनी नदी के। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो दाई ओर से मिलती है, तो उद्गम इधर से हो रहा है ना, तो नदी का मुख ऐसे इस तरफ है, तो यानी कि ऐसे है, ऐसे है तो दाया कौन सा होगा, ये होगा बाया, ये होगा। तो ये कौन सी नदियां होगी, बाई ओर की सहायक नदियां, ये कौन सी होगी, दाई ओर की सहायक नदियां। बताओ समझ में आयो को ना आयो, आयो को ना आयो, आयो बस। तो फिर चाला गए, चाला चाला। इस बांडी नदी में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है गुहिया नदी। कौन सी नदी, गुहिया नदी। कहाँ से उद्गम होता है, ब्यावर से, ठीक है। कहाँ से, ब्यावर से इसका उद्गम होता है। अब एक बार आ जाओ, थोड़ो सो रिवीजन कर लिया हा, पीछे से शुरुआत करा, फिर आगे और बताऊं था। सागरमती नदी और सरस्वती नदी से मिलकर लूनी नदी का उद्गम होता है, कहाँ पर, गोविंदगढ़ पुष्कर से, फिर आप बहती 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 आगे तक निकल गई, जान दो आज हट जा रही है, बढ़न दो। थाने देखनी है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, थारो मित्र है, सागी मित्र है, वो एक दिन भाजो भाजी आयो और बोलियो कि थारो जवाई सूखना पड़ गयो, लील डे उगड़ दिए, बेंड पड़ गयो, भी कहे भाई क्यों पड़ियो, क्योंकि वो लूनी नदी को पानी पी लियो, ठीक है। मित्र कटो को जालोर को, सागी मित्र हो थाने खबर दियो, जस्ट आर खबर दे दी, जस्टी तो जसवंतपुरा पहाड़ी, ठीक है। ज्वाई गोरो गोरो चोखो लागे, सासरम बैठो नहीं तो बहुत कोजो लागे है, तो ज्वाई नदी गोरिया पहाड़ी। ज्वाई भोलो डालो होना चाहिए, खारो नहीं होना चाहिए, क्योंकि खारो जा तो वो शेर की जिया लागे, तो खारी नदी मिल रही है कि में ज्वाई नदी में, तो खारी नदी उपसहायक नदी हो गई किसकी, लूनी नदी की। तो खारी नदी शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से इसका उद्गम हो रहा है। सुकड़ी देसुरी पाली में इसका उद्गम हो रहा है। लीलड़ी पाली से उद्गम है, बांडी नदी पाली से उद्गम है, गुया नदी का उद्गम ब्यावर से है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चीज आती है कि इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आप लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र देख लो, लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र कैसे याद करोगे, अजगर है, अजगर है, लूनी मतलब खारो, अजगर में जहर खारो, ठीक है, नाग में भी जहर खारो, और अजगर नाग ने देखते थे ब्याजो भाई साहब, ब्यावर देखते ही ब्याजो थे, और ब्याजो भी के पूरा का पूरा ब्याजो थे, तो जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। तारा बाल भी उतर जाएगा, बाल उतरा, बाल उतर जाएगा देखता ही, ठीक है। तो थे बा नाग ने अजगर ने खटराक्ष हो बाड़म, तो बाड़मेर, और बाड़म राक्ष हो तो फिर चोर तो आवेगा, चोर उठा ले जाएगा तो सा चोर आल। ये क्या हो गया, अजगर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। क्रम भी ऐसे ही है, अजगर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचोर, ये क्या हो गया प्रवाह क्षेत्र किसका, लूनी नदी का। अब जो बाकी सहायक नदियां, इनका भी तो प्रवाह क्षेत्र आएगा, इनका भी तो आएगा, तो गुहिया नदी का प्रवाह क्षेत्र है ब्यावर प्लस पाली, यानी कि दो जिलों में होकर बहती है, कौन सी, गुहिया नदी ब्यावर पाली में। बांडी नदी पाली है, और पाली के साथ साथ आप कर सकते हो इसको जोधपुर ग्रामीण। हाँ गुरु जी बिल्कुल सही बात कह दिया, लाख रुपये की सी बात है। लीलड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है।
सूकड़ी नदी, सूकगी, तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाली तो ही भाई, उद्गम तो पाली से हो रहा है तो पाली होगा। पाली के अलावा जालोर और बालोतरा, कौन सा, जालोर और बालोतरा, हाँ गुरुजी यह बात भी लाख रुपए की सी। फिर आयो जवाई, जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र यानी उद्गम कहाँ से है, तो पाली है, तो पाली तो आएगा ही आएगा, पाली के अलावा जालोर, सांचौर, बाड़मेर, तो पाली का जालोर, सांचौर और बाड़मेर, ये प्रवाह क्षेत्र किसका हो गया, गोरिया पहाड़ी का। समझ जाना अगर मैंने लास्ट में लिखा है तो ये क्या हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया किसका, जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया जालोर, सांचौर, बाड़मेर, उद्गम पाली से है। फिर है खारी नदी, खारी है शेर जीसी, ठीक है, तो सिरोही ही इसका उद्गम है, और सिरोही के अलावा क्या आ जाएगा इसमें, जालोर आ जाएगा, सिरोही के अलावा क्या आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। फिर आता है आपके सागी नदी, सागी नदी का उद्गम कहाँ से, जालोर है, तो जालोर के अलावा सांचौर और बाड़मेर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सांचौर और बाड़मेर, कौन सो, सांचौर और बाड़मेर, दिख रहा है ना ये सांचौर और बाड़मेर नीचे, ठीक है। फिर आता है मित्री नदी, ये जालोर से इसका उद्गम होता है, और जालोर के अलावा प्रवाह क्षेत्र पूछे तो सांचौर और बाड़मेर है। समझ जाना मैं ये जो रेड कलर में है यहाँ से उद्गम हुआ है, फिर जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा, यानी मित्री नदी जालोर, सांचौर और बाड़मेर से बहती है। जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर, सांचौर, बाड़मेर में बहती है। खारी नदी सिरोही और जालोर में बहती है। जवाई नदी पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर में बहती है। सूकड़ी जालोर और बालोतरा में बहती है। लीलड़ी पाली में बहती है, ठीक है। अब देखो इसको, अब नोट करो, पहले तो नोट कर लो, पहले तो नोट करो, यहां से एक मीठड़ी नदी और आपको ध्यान रखनी है, मीठड़ी नदी, ठीक है, बस, और इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, कौन सा ग्रामीण हो, क्यों, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है टाबरू, ठीक है गुरुजी, ठीक है। करो नोट, करो बस, बहुत, इसका उद्गम कर लेना पाली, और प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा फिर पाली और बालोतरा में, बस, तो फिर इतनी चीज बता दी तो बहुत है, इतनी बता दी तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डाबरो, समझ में तो आ रहे हो ना, हाँ गुरु जी बिल्कुल समझ में आ रहे, बिल्कुल समझ में आ रहे, करो नोट फिर। जो खारी नदी है ना ये यहाँ पर मिल रही है, ये इस गांव का नाम है सायला गांव, और ये सायला गांव कहाँ है, जालोर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सायला गांव जालोर, ठीक है। जवाई नदी यहाँ पर मिल रही है, और इस जगह का नाम है गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा स्थान है कहाँ पर, बाड़मेर में, तो गुड्डा स्थान पर आके मिल रही है, गुड्डा स्थान बाड़मेर, कौन सा स्थान है, गुड्डू स्थान बाड़मेर में। वैसे ही सूकड़ी नदी मिल रही है बालोतरा पाली में, सूकड़ी नदी कहाँ है, बालोतरा क्षेत्र है, और बालोतरा समदड़ी, पाली नहीं, बालोतरा समदड़ी आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी, मना आपने बेरो कौन पढ़ रहे हो भाई, अब कठिन के लिखो, अच्छा ये रहा ना बालोतरा, यहां पर बालोतरा है, बालोतरा समदड़ी में आके कौन सी नदी मिल रही है, सूकड़ी नदी मिल रही है, कौन सी नदी मिल रही है डाबरू, सूकड़ी नदी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो।
अब ये लूनी नदी है ना, इसका पानी खारा हो जाता है बालोतरा के बाद में, पहले मीठा रहता है। तो मैं उपनाम लिखवा देता हूं ना, लूनी नदी के उपनाम, आदि खारी और आदि मीठी, इसको अंतः सलीला भी कहते हैं, अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लंबाई पूछे, कुल 495 किलोमीटर, कुल लंबाई 495 है। राजस्थान में पूछे तो 430/450, कितनी 400, सॉरी क्या लिख दी मैंने, 330 और 330/350, ठीक है। करो नोट, जोजड़ी नदी का उद्गम पोडलू पहाड़ी नागौर से, प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर ग्रामीण है। ये क्या हो गया, आपके लूनी नदी कंप्लीट होता है। आज केवल और केवल लूनी नदी करवा रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने बता दिए, विथ डिटेल के साथ बता दिए, डीपली बता दिए है ना, इसे मान के चलो आप। तो इसके बाद में हम माही नदी पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में केवल एक नदी है, ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, मैं ढंग से PDF और आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ढंग से पढ़ना है, ढंग से याद करना है। समझ में आ गया ना, आ गया तो नोट कर लियो, टाबलो ढंग से इन्हें नोट कर लियो। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं और एक प्रश्न पूछूंगा जिसका मुझे जवाब आप लोगों को देना है, आप दोगे उसका जवाब। मैं केवल और केवल प्रश्न पूछूंगा, के बढ़ गयो मिट्टे क्या होनी डस्टसू, बात क्या होगी, नाराज क्या है बोर्ड। चलिए खराब हो गई होगी बोर्ड। अब देखो एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे हम, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। आप कौन सी नदी है या लीलड़ी नदी है, कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। इन नदी में एक नदी आके मिल रही है, कौन सी, मित्री नदी, ठीक है। मित्री नदी के बाद में कौन सी नदी आ मिल रही है, सागी नदी, ठीक है। सागी नदी के बाद में एक नदी आ मिल रही है, कौन सी नदी, जवाई नदी, ठीक है। जवाई नदी मिल रही है, जवाई नदी के बाद में एक नदी आर मिल रही है, कौन सी, सूकड़ी नदी आर मिल रही है, ठीक है। सूकड़ी नदी के बाद में एक नदी आर मिल रही है, लीलड़ी। कौन सी नदी, कौन सी नदी, लीलड़ी नदी, ठीक है। लीलड़ी नदी के बाद में एक नदी आर मिल रही है, कौन सी, बांडी नदी, कौन सी, बांडी, ठीक है। बांडी नदी में एक नदी आकर मिल रही है, कौन सी नदी, गुहिया नदी, कौन सी, गुहिया नदी। जवाई जो नदी है इसमें एक नदी आकर मिल रही है, उस नदी का नाम है खारी नदी, कौन सी नदी, खारी नदी। दाई ओर की बात करें, दाई ओर एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी, कौन सी नदी, जोजड़ी नदी, ठीक है। ये लूनी नदी है, लूनी नदी ध्यान रखना है, लूनी नदी। राइटिंग पे नहीं जाना है, फटाफट रिवीजन करते हैं। उद्गम पूछे तो इधर से साबरमती से है, साबरमती से इधर सरस्वती नदी से, साबरमती नदी नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ अजमेर से, सरस्वती नदी पुष्कर पहाड़ अजमेर से, ठीक है। अब देखो इधर से एक और ध्यान रख सकते हो आप, मीठड़ी नदी, कौन सी नदी, मीठड़ी नदी। संगम किधर हो गया, अरब सागर में, कौन कौन सा सागर में, अरब सागर में,
ठीक है। मित्री नदी का उद्गम जालोर, सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी से इसका उद्गम हो गया। जवाई का, जवाई किस ओर हो जाए, गोर ओर हो जाए, तो गोरिया पहाड़ी, गोरिया पहाड़ी, ठीक है। खारी नदी, खारो जवाई होगो तो शेर जिसो लागोगो, शेरगढ़ पहाड़ी, ठीक है, शेरगढ़ पहाड़ी, ठीक ठीक ठीक। और सुकड़ी नदी पाली, लीलड़ी पाली, बांडी पाली, और गुहिया नदी ये ब्यावर, ठीक है, परवा क्षेत्र पूछे तो ब्यावर और पाली में। ये लगभग लूणी नदी से संबंधित जानकारी होगी, ठीक है ठीक है। बाकी अगली क्लास में, धन्यवाद।